हेलो एवरीवन, सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं हूं इस टाइम अमृतसर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, जिसका नाम पड़ता है श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहां से एक नए सफर की शुरुआत होने वाली है मेरी। टाइटल से आप उस चीज का अंदाजा लगा चुके होंगे और कुछ ही समय में, अब से चंद घंटों के बाद यहाँ से मेरी फ्लाइट रवाना होगी दुबई के लिए। जी हाँ, तो ये सीरीज, दुबई सीरीज आपके लिए आने वाली है। मैं हूँ ट्रेविया साहिल और स्वागत करता हूँ आपके चैनल पर। जो चेक इन प्रोसेस था यहाँ का स्पाइस जेट का, वो काफी सूदिंग था। मेरे को स्पेशली पूछा गया कि सर आपको कोई प्रेफरेबल सीट है, तो ऑब्वियसली मैंने विंडो सीट के लिए रिक्वेस्ट किया, तो दे अलॉट मी द विंडो सीट। और उसके बाद इमिग्रेशन प्रोसेस में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन एड नहीं किए गए। मैं से पूछा गया कि मैं किस पर्पस के लिए जा रहा हूँ, ऑब्वियसली फॉर द टूरिज्म पर्पस के लिए। एंड आफ्टर दैट मेरे से क्वेश्चन किया गया कि आपका क्या प्रोफेशन है एंड कितनी देर से आप उस प्रोफेशन में हो। रिटर्न टिकट भी नहीं मेरे से उन्होंने देखा, जस्ट पासपोर्ट, वीज़ा एंड अपना आईडी कार्ड आप दिखाएं। तो ऑल डन, स्टैंपिंग कर दी गई एंड इमिग्रेशन प्रोसेस इतना ही था यहाँ का। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको अलग अलग जगह पे अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने पड़ते हैं, जिसमें आपका रिटर्न टिकट डेफिनेटली मांगते हैं। तो अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हैं दुबई के लिए, तो सबसे पहले आप अपना रिटर्न टिकट ज़रूर करवाएं साथ में, बिकॉज रिटर्न टिकट अगर आपके पास है तो आपका वीज़ा प्रोसेस भी काफ़ी सूदिंग रहने वाला है। तो वीज़ा प्रोसेस कैसे रहता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आप दुबई के लिए टिकट करवा रहे हैं, दुबई जाना चाह रहे हैं सोलो ट्रैवल टूरिज्म पर्पस के लिए, तो डेफिनेटली मस्ट है कि आप अपना रिटर्न टिकट भी करवाएं, जिसमें आपको आपके वीज़ा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं बिल्कुल आपको नहीं बोलूँगा, आप पहले ये पूरी वीडियो कंप्लीट देख लीजिए। और अगर आपको एंड में ये वीडियो लगती है, आपकी हेल्प करती है, या आपको अच्छा लगा ये वीडियो देख कर, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले आप वीडियो को आराम से बैठ के देखिए एंड जो कुछ भी नॉलेजेबल थिंग है, जो कुछ भी चीज़ें हैं नोट डाउन करने वाली दुबई ट्रिप के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें आपको मैं इस ब्लॉग के थ्रू एंड कमिंग ब्लॉग में बताता रहूँगा। टाइम के अकॉर्डिंगली दुबई हमसे 1.5 घंटा पीछे चलता है। अगर यहाँ पे आपके 12 बज रहे हैं तो दुबई में 10:30 हो रहे होंगे, तो दुबई जो है वो इंडिया से 1.5 घंटा पीछे चलता है। तो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंगली मैं 12:30 या 12:15 के करीब वहाँ पर पहुँचूँगा। तो फाइनली आई जस्ट लैंडेड इन दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 3.5 घंटे का सफर तय करने के बाद फाइनली लैंड किया है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। स्पाइसजेट की फ्लाइट जिससे हम अभी पहुंचे हैं दुबई। दुबई में जो इस टाइम टाइम है वो है सुबह के 10:45, लेकिन इंडिया में अभी हो रहे हैं 12:15, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था। दुबई जो है 1.5 घंटा पीछे है इंडिया से। तो अभी जस्ट एयरक्राफ्ट से बाहर आते हुए और इसके बाद अभी करना है इमिग्रेशन प्रोसेस डन, और उसके बाद हम एंट्री करेंगे दुबई के अंदर। तो सबसे पहले आपको इमिग्रेशन प्रोसेस क्लियर करना पड़ेगा, तो वो भी चलते हैं इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर। आप अराइवल करते हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो सीधा आपको एंटर जो करना है वो करना है मेट्रो के अंदर, जो एयरपोर्ट पे ही चलती है। तो एयरपोर्ट मेट्रो से आपको दूसरे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर पहुंचाया जाएगा, जहां से आप अपना बैगेज क्लेम एरिया में आते हैं या आगे इमिग्रेशन प्रोसेस में आते हैं। तो अभी के लिए चलते हैं आगे।
इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा लंबा था, प्रोसेस नहीं उसका क्यू बहुत ज्यादा लंबा था, तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा जो है वो इमिग्रेशन की लाइन में लगना पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा लंबे थे, बहुत ज्यादा ही रश था। और उसके बाद बट जो इमिग्रेशन प्रोसेस था वो बहुत सूदिंग था, एंड नॉट इवन सिंगल क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, जस्ट पासपोर्ट एंड स्टैम्प करके उन्होंने वापस दे दिया। और यहाँ पे आपको जब आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हैं तो आपको जब स्टैम्प लगती है पासपोर्ट के अंदर, तो साथ में आपको एक टूरिज्म भी प्रोवाइड की जाती है। तो टूरिज्म जो है वो DU कंपनी की यहाँ पे चलती है, DU उसे बोलते हैं, तो वो आपको टूरिस्ट सिम प्रोवाइड की जाती है दुबई गवर्नमेंट की तरफ से ही इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर। और उसके बाद इसको आप आगे अलग अलग रिचार्ज रहते हैं जो आप अपने इसको रिचार्ज करवा सकते हैं, 1 डे का इसमें डाटा रहता है तो 1 डे का आप यूज कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट इसको आप रिचार्ज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे को सिम मिली है DU उसका पैकेज जानते हैं, बिकॉज उसके अंदर 1 GB डाटा मिलता है। तो रेस्ट ऑफ द प्लान्स इनके क्या रहते हैं, जैसे वीकली प्लान, तो वो एक बार काउंटर से पूछते हैं। जनरली आपके होटल में आपको वाईफाई तो मिल जाता है, लेकिन जब आप बाहर डाटा यूजर्स करते हैं या आपको वीडियो कॉल्स करनी है, तो उसके लिए जो आपको एक्स्ट्रा डाटा यूज़ करना पड़ता है, ऐसी सिम रहती है जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। अभी के लिए इमिग्रेशन डन है, बैगेज क्लेम कर लिया है और मैं चलता हुआ अपना मेट्रो एरियाज़ की ओर, जो कि पड़ता है 3rd फ्लोर के ऊपर, और मेरे को जाना है यहाँ से। तो जब आप ऊपर आते हैं मेट्रो एरिया में, तो ये 2nd फ्लोर के ऊपर पड़ता है मेट्रो एरिया, जहाँ से आप अपने टिकट काउंटर के ऊपर जाके ये मेट्रो पास ले सकते हैं, जो कि 25 दिरहम का मिलता है आपको, जिसके अंदर आपको मिनिमम बैलेंस जो है वो 7 दिरहम मेंटेन करना होता है। जब भी आपका बैलेंस 7 दिरहम के पास आता है तो आपको इसको रिचार्ज करवा के यूज़ करना होता है। ऑन द टाइम ऑफ जब आप दुबई को लीव कर रहे हैं, तो जो भी मिनिमम बैलेंस बीच में बचता है, चाहे वो 9 दिरहम है, 10 दिरहम है, जितना भी है, वो आप इस कार्ड को वापस करके अपना रिफ़ंड ले सकते हैं। और फ़िलहाल के लिए मैं आ चुका हूँ अंदर, और यहाँ पर पड़ते हैं 2 प्लेटफॉर्म, एक है प्लेटफॉर्म 2 और सेकेंड वन इज प्लेटफॉर्म 1। तो मेरे को जाना है प्लेटफॉर्म 2 से, बिकॉज यहाँ पर अभी हूँ मैं टर्मिनल 1 के ऊपर, और मेरे को जाना है फाइनेंशियल सेंटर। मेरा जो होटल पड़ता है जीवोरा, वो है शेख जायद रोड के ऊपर, फाइनेंशियल सेंटर स्टेशन पड़ता है मेट्रो का, वहाँ मैं उतरूँगा, और वहाँ से 400 मीटर की वॉक है जो मेरे को लेके चलेगी जीवोरा होटल तक। तो चलिए अभी मैं प्लेटफॉर्म 2 पे चलता हूँ। एयरपोर्ट से फाइनेंशियल सेंटर आने तक मेरे लगे 5 दिरहम, और फाइनेंशियल सेंटर में ही पड़ता है जीवोरा होटल, जहाँ मेरे को स्टे करना है, ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड टॉलेस्ट होटल। ये शेख जायद रोड जो कि बहुत फेमस है दुबई में, इसके सामने पड़ता है ये जीवोरा होटल, जहाँ मेरे को स्टे करना है फॉर द नेक्स्ट 2 डेज़। यहाँ पर मैं अगले 2 दिनों के लिए यहाँ पर स्टे करने वाला हूँ, उसके बाद ये चेंज करूँगा। तो जो नेक्स्ट होटल है वो भी इसी रोड के ऊपर पड़ता है, एंड यहीं से मेरे को ये रहा जीवोरा होटल अगर आपको दिखाई दे रहा, और ये रहा म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर, तो एकदम पास ही में है, तो ये भी मेरे को इजी रहेगा। फिलहाल के लिए चलते हैं जीवोरा होटल, बिकॉज मेरे को भी जाके चेक इन तो आई थिंक 3 बजे का टाइम है उनका, लेकिन उससे पहले फिर भी चलो अपने बैगेज वहाँ पर रख सकता हूँ, अगर बाहर का थोड़ा बहुत देखना है मैंने तो। जल्दी से भी चलते हैं जीवोरा होटल। यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है, मेरे को होटल से ही पता चला है, पुरानी दिल्ली करके, जहाँ पे बढ़िया खाना इंडियन मिलता है। सो अभी के लिए मैं बैठा हूँ पुरानी दिल्ली रेस्टोरेंट, जो कि पड़ता है 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन होटल के अंदर। मैंने अपने लिए अभी ऑर्डर किया है पनीर टिक्का एंड साथ में कोल्ड ड्रिंक। और यहाँ पे बैठने का एक मजा है कि बाहर का व्यू आपको बहुत सुंदर मिलता है, एकदम रोड के साइड का व्यू है आपका,
प्रॉपर बाहर की चहल पहल, गाड़ियां एंड साथ में बिल्डिंग्स, और बुर्ज खलीफा का व्यू भी आपको यहाँ से देखने को मिलता है।